कैप्टन के बारे में सिद्धू के बयान से राजनीति में बवाल, निशाने पर राहुल। सुने महेश इंद्र सिंह गरेवाल को। सिद्धू साहब गए, क्यों गए, कैसे गए? अब ये सिद्धू साहब ने आप ही इसको प्रकट किया है कि मैं पाकिस्तान राहुल गांधी के कहने पर गया था। और इससे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को नीचा दिखाया, उनको डिनाउंस किया। और यहाँ तक जब उनका कहना था कि आप किस कैप्टन की बात करते हो, ये इसका मतलब कि ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट हु इज़ दिस कैप्टन अमरिंदर सिंह, व्हेन एवरीबडी पंजाब में आज जानता है कि जब कैप्टन कहते हैं तो कैप्टन मीन्स कैप्टन अमरिंदर सिंह। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहना किया कि कैप्टन तो आर्मी का कैप्टन है, मेरा तो कैप्टन राहुल गांधी है। ये जो है एक बहुत बड़ी कोई रणनीति और राजनीति चल रही है, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का भी संकेत हो सकता है, इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है। क्योंकि सिद्धू ने जो बयान दिया है, पाकिस्तान के आने के बाद जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है और जो कर्टसीज हैं, वो ये डिमांड करती है कि वो अपने चीफ मिनिस्टर को आके मिले और उधर का अपना रिपोर्ट करे कि वो किस किस को मिला और किस किस के साथ क्या बात की। उसका चीफ मिनिस्टर को इग्नोर करके तेलंगाना में जाना और उधर जाके चीफ मिनिस्टर को नीचा दिखाना और कहना ऐसे कि जैसे घर में कोई काम करने वाले को बोलता है ना कि किसकी बात करते हो, ये साफ जाहिर कर दिया कि ये दो बातें हो सकती है इसमें। या तो राहुल गांधी जी कैप्टन साहब को रिप्लेस करना चाहते हैं सिद्धू के थ्रू, और या जो इमरान खान ने उसको थापी दी है देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सिद्धू साहब ने उस तरफ कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो ये तो कांग्रेस के प्रधान राहुल गांधी को, हिंदुस्तान के लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने सिद्धू को पाकिस्तान भेजा तो क्या इंस्ट्रक्शन थी, किस पॉलिसी में भेजा। और सिद्धू को भी ये हिंदुस्तान के लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि सिद्धू साहब इमरान खान के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये कहने को तैयार हैं कि जो पाकिस्तान देश में नशे भेज रहा है वो गलत है, और जो पाकिस्तान एस्टेब्लिश तौर पर कश्मीर और पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है वो गलत है, और कश्मीर हिंदुस्तान का निखड़वा अंग है। अगर ये सिद्धू साहब कहते हैं तो ये बात मानी जा सकती है कि सिद्धू साहब देश प्रति ईमानदार हैं और दोस्ती में वो देश के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं तैयार। मेरे को ये अब शक्का कर रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, एंड पाकिस्तान ने अपना एक सिंपथाइज़र, पहले तो सरना ब्रदर्स थे, अब नया सिंपथाइज़र हिंदुस्तान में ढूंढ लिया नवजोत सिंह सिद्धू, जिसके थ्रू वो एक्ट करेंगे और पाकिस्तान के हर एक्ट को, वो जो चाहे टेरर का हो, चाहे कश्मीर की डिमांड का हो और चाहे नशे का हो, सिद्धू के थ्रू वो जस्टिफाई कराएंगे। देखो सिद्धू के इतना क्या कि पिद्दी क्या पिद्दी का शोर, बस सिद्धू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।